एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम क्या, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। हाँ ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। वैसे और भी एक बड़ा राक्षस है। नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुड़वा। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, नथी। थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्बू, नहीं जम्बू, नथी, नहीं जम्बू। तू जा भाड़ में, जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? जा भी काम कर। क्या खाना? हाँ चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घुघरा घुघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते गुजराती में? घुघरा है, घाघरा, घुघरा, घुघरा, घुघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा। जाके कपड़ा दो। पैंट गीली कर रहा है मेरी। पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो। पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ